पेंट तो ये हुंडई का i20 है, 2016 का मॉडल है। i20 एक्टिव है। एक्चुअली इसमें स्टेयरिंग का प्रॉब्लम है, स्टेयरिंग हार्ड होने का इशू है। जब ये ड्राइव करेंगे उस समय या खड़ी गाड़ी फुल टर्न स्पीड में अपन टर्न लेफ्ट राइट करेंगे तो इस कंडीशन में स्टेयरिंग इसका हार्ड होता है और स्टेयरिंग में से आवाज़ भी आ रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये देख सकते हो अभी कैसा, ये खाली खिर-खिर आवाज़ आ रहा है। अभी देखना ये आवाज़ काफ़ी ज़्यादा करेगा। टर्न में वर्किंग कर रहा हूँ ना, हार्ड होते जा रहा है ये स्टीयरिंग, पूरा हार्ड होते जा रहा है। ये देख सकते हो ये आवाज भी आ रहा है, देख सकते हो। तो ये देख सकते हो कैसा भी आवाज ये बढ़ रहा है, ये देख सकते हो। तो इसमें ये प्रॉब्लम है और ये स्टीयरिंग काफी हार्ड हो गया है। तो फाइनली इसका हम स्टेयरिंग खोलने वाले हैं। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है ये इसके पावर स्टेयरिंग का मोटर का प्रॉब्लम है। तो इसका ये फाइनली हम इसका मोटर खोल रहे हैं, जो कि इधर आप देख सकते हो। तो इसके लिए अपने को ये पैनल खोलना रहता है। तो ये देख सकते हो ये पैनल निकलेगा, फिर ये फ्यूज पूरा बाहर निकल जाएगा। कभी कभी क्या है, जब अपना स्टेयरिंग मोटर गया हुआ रहता है तो इधर पे रेड कलर का स्टेयरिंग लाइट आता है या येलो आता है। तो इसमें कोई लाइट नहीं आ रहा, अपन वर्किंग मतलब ऐसा रनिंग में ना कभी कभी काम करना छोड़ रहा है और जगह पे टर्न मारेंगे लेफ्ट राइट कंटिन्यू तो हार्ड होता जाता है। तो ये हम खोल रहे अभी, निकालना रहता है। और इधर ये दो सॉकेट निकालना रहेगा इसका, हेडलाइट एडजस्टमेंट का। तो ये देख सकते हो ये नीचे का पैनल हमने पूरा निकाल दिया। अभी इसका ये कॉलम का ये स्टेयरिंग कवर भी खोल लेंगे, क्योंकि इसको 1 फीस में से नीचे लेना रहता है। तो ये वायरिंग निकालने के लिए अपने खोलना रहता है। ये क्या साइड में लेंगे तो काफ़ी ईजी रहेगा, तो डैमेज हो जाएगा वायरिंग। ये निकल गया साइड में, अभी क्या है ना यहाँ पे इसका ये मोटर का वायर निकाल देंगे, उसे मॉड्यूल से स्टेयरिंग के। हो गया अभी। तो ये देख सकते हैं हमने इसका कॉलम का जो बोल्ट है ना हमने खोल दिया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं 14 का नीचे रहता है, साइड से बोल्ट रहता है। ये दो नट रहता है ऊपर, तो यहाँ पे लगा हुआ रहता है। तो अभी इसका हमने डाउन करो इसको, हेलो आगे लेके आराम से हल्का आगे लो, लॉक रहता है उसके अंदर, खाली वो रखा हुआ रहता है। स्टीयरिंग ऊपर लो, हाँ हल्का सा अपनी तरफ लो, हाँ नीचे आ गया, बस छोड़ो। तो ये देख सकते हो ये इस तरह बाहर आता है। ये क्या ना ऐसे पॉइंट दिया रहता है, वो पॉइंट उसके वो, एक मिनट रुको जरा, ये पॉइंट दिया रहता है, पकड़ो जरा ये ऊपर, ये पॉइंट ना इधर पे तो पॉइंट दिया रहता है कॉलम में, इसमें जाके ऐसा लॉक रहता है, मतलब अटका हुआ रहता है कि नीचे गिरे ना खोलने के बाद में बोल दिए। और इसका मोटर है सामने, आप देख सकते हो ये बाहर निकालो, ये हमने खोला भी मोटर को, ये बाहर निकाल रहे हैं यहाँ से, देख सकते हो काफ़ी ईजी रहता है ये। एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, जो ये हार्ट का प्रॉब्लम आता है या स्टीयरिंग हार्ड होता है या कभी रेड लाइट आता है तो स्टीयरिंग स्टक हो जाता है अपना। तो इसमें ख़राब क्या होता है, ऐसा कार्बन प्लेट होता है ना वो ख़राब होता है। इसमें दिखाता हूँ मैं क्या ख़राब होता है। तो फाइनली हम क्या करेंगे, इस मोटर को ना हम रिपेयर करा के लेंगे, इसको नया नहीं डालेंगे, क्योंकि ये मोटर में रिपेयर हो जाएगा अपना, तो इसको नया नहीं डालेंगे। हाँ तो इधर देख सकते हो इसका कार्बन पैड अभी बाहर निकाले हैं, जो कि कार्बन पैड में प्रॉब्लम है। तो शोल्डर से इसको हम बाहर निकाल लेंगे इसकी वायरिंग पहले। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे इसका ये बॉडी ओके है एकदम, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसका ये आर्मेचर है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी ओके है। एक्चुअली इसके ना कार्बन प्लेट में ही प्रॉब्लम आता है, तो दिखाता हूँ मैं। तो ये देख सकते हो इसका क्या है ना, तो अपोजिट में जो ना आमने सामने ये स्टक हो गया, देख सकते हो कैसा ये। इसके लिए अपना मोटर में हार्ड होने का प्रॉब्लम आ रहा था और नॉइज का प्रॉब्लम आ रहा था, इसके कार्बन प्लेट का प्रॉब्लम है, ये देख सकते हो इसका। फाइनली हम कार्बन प्लेट जो है ना इसका हम चेंज करेंगे। तो ये अभी हम चेंज कर रहे हैं इसका कार्बन प्लेट, क्योंकि इसके कार्बन प्लेट में प्रॉब्लम ही कर, देख सकते हो कैसा ना हीट होकर ना स्प्रिंग जो है ना इसका स्टक हो जाता है, तो जगह पे कार्बन प्लेट जो है ना हीट होकर लॉक हो जाता है, उसका कॉन्टेक्ट नहीं मिलता है मोटर को, इसके लिए अपने को प्रॉब्लम आता है। तो ये हमने दूसरा कार्बन प्लेट इंस्टॉल कर दिया है, तो बहुत ध्यान से करना रहता है, जरा भी आउट होएगा ना तो ये बैटरी में इसके आवाज आने लगेगा। तो ये आप देख सकते हो इस तरह से रिपेयर करना होता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हो, ये अपना हो गया अभी कम्प्लीट, ये हमने कार्बन प्लेट ही चेंज किया हुआ है। ओके तो अभी फिटिंग करेंगे इसको, अभी हम फिटिंग कर रहे हैं, देख सकते हो ये नया नहीं है, ऐसे देखने में लगेगा नया है, क्योंकि इधर पे देख सकते हो इसका बॉडी वगैरह,
सर देखने लगेगा कि नया मोटर है, पर नया नहीं, गाड़ी का ही मोटर है, इसको हमने सिर्फ रिपेयर कराया है, क्योंकि ये रिपेयर भी हो जाता है तो कस्टमर को पैसा नहीं खर्च करना था, तो इसके लिए इसको हमने रिपेयर कराया। लेकिन रिपेयर में क्या होता है ना, हल्का सा नॉइस रहेगा, अपन थोड़ा सा चलेगा ना गाड़ी सही हो जाएगा, कार्बन सेट हो जाएगा तभी। ले फिटिंग कर चलो। तो ये अभी हम फिटिंग कर रहे हैं इसको, फिर फिटिंग करके आपको दिखाते हैं। ये अभी अपना ये मोटर फिटिंग हो गया, अभी सब कॉलम हम फिटिंग कर रहे हैं, देख सकते हो। फटाफट टाइट मारो, ये 14 का बोल्ट हम टाइट मार रहे हैं, जिससे कपलर वगैरह सब लगाते हैं। देख सकते हो इस तरह ये रिंग पाने से टाइट होएगा। सारा कपलर अभी हम ये लगा रहे हैं इसको, फिर स्टार्ट करके इसको चेक करते हैं। क्लच पुश करो। हाँ, ये गाड़ी अपना स्टार्ट है। इधर देख सकते हो एकदम परफेक्ट चल रहा है अभी। पहले क्या ना, फटाफट करेगा ना ऐसा, तो ये हार्ड होता था, काफ़ी ताकत लगता था। अभी कैसा एकदम फ्री हो रहा है ये, तो इधर आप देख सकते हो। और आवाज़ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि कभी कभी कार्बन जो अभी हम इसका रिप्लेस करते ना, तो हल्का फुल्का सा ऐसा नॉइस रहता है, बट वो थोड़ा सा वर्किंग करेंगे ना, स्टीयरिंग भी अपना जगह बना लेता है वो, जो प्रॉपर हो जाता है, बट कोई नॉइस नहीं है, एकदम परफेक्ट है। तो आपने देखा इसका स्टीयरिंग मोटर गया हुआ था, जो कि इसको सिर्फ हमने रिपेयर किया है, इसका कार्बन प्लेट डाला, जो कि अभी ये इसका स्टीयरिंग मोटर एकदम, स्टीयरिंग मोटर को रिपेयर किया हमने, इसका कार्बन मोटर डाला है। अभी इसका स्टीयरिंग एकदम ओके है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख सकते हो अपना ये हो गया फिटिंग ओके, और अभी अपना एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले कैसा है टर्न, अभी कैसा टर्न हम कर रहे हैं इसको लेफ्ट राइट, तो ये काफ़ी हार्ड होता था स्टीयरिंग, अभी एकदम परफेक्ट हो रहा है। और कोई कस्टमर में पहले भी कोई लाइट नहीं था, अभी भी कोई लाइट नहीं है, ये आप देख सकते हो। तो इसका भी ये फाइनल फिटिंग करना बाकी, इसका कवर वगैरह ट्रिम वगैरह जो ये है, इसको भी हम फिटिंग करते हैं। इसका फिटिंग करो, ये भी हम इसको पूरा ये फिटिंग करते हैं। तो आपने देखा एक्चुअली इसके मोटर में प्रॉब्लम था, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसका मोटर रिपेयर किया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।